सिर्फ एक अंपायर एक गेम की तरह है, जहाँ कोच भी है, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज है, तो वही बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी थी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के 7 मनी रूल्स शेयर करेंगे, जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स या चीजों में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यही ज्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में, मतलब 26 या उसके आसपास की उम्र में चलानी है, तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या आपके स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाए। देखो, सेविंग्स करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उस सेविंग्स के पैसों को काम पे लगाना भी जरूरी है। अपनी खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पे इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन। इसे ठीक से समझने के लिए आप MJ DeMarco की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। रूल नंबर 2, डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि मनी आपके पास खुद आए, आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से। आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार होंगे अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। तभी आपने देखा ही होगा कुछ सक्सेसफुल टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने का ही लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज कुछ नया सीखे बाकी उसे इतना आगे निकल जाता है कि फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज्यादा, आप उसे फालतू चीजों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाओ, क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, दिस इज वेरी शॉकिंग एंड सैड कि आजकल के यंगस्टर्स रोज 2-3 घंटे नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे या गेम्स पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप अभी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो आज टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्द लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करते, तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप गरीब ही पैदा हुए थे तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती होगी। नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग या एक बिजनेसमैन, एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और वॉन्ट्स क्या है, यानी कि आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पे आप पैसा वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना होगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोगों का मन करता है कि उस पैसों से वो नई चीजें खरीदें या वो सब चीजें खरीदें जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके
रुपए हो।